दोस्तों इस समय वर्ल्ड कप 2023 से श्रीलंका की टीम हमेशा के लिए बाहर हो चुकी है, मगर दोस्तों आईसीसी ने श्रीलंका की टीम पर लगाया 8 करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल का बैन। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अब की बार भारतीय टीम यानी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जबरदस्त तरीके से क्वालीफाई कर गई थी, मगर दोस्तों इस समय यानी वर्ल्ड कप 2023 से श्रीलंका की टीम हमेशा के लिए बाहर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका की टीम ने 9 मुकाबलों में से 7 मुकाबले हारी और 2 मुकाबले जीत के साथ वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी ने यानी श्रीलंका पर बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि दोस्तों दरअसल बात यह है कि श्रीलंका की सरकार ने आईसीसी में हस्तक्षेप कर दिया और इस छोटी सी गलती के कारण आईसीसी ने यानी श्रीलंका की टीम पर बैन लगा दिया, चाहे वो आईपीएल हो या इंटरनेशनल यानी टूर्नामेंट हो, यानी श्रीलंका के क्रिकेटर इन टूर्नामेंटों में कभी भी आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर दोस्तों श्रीलंका की टीम आने वाले समय यानी फरवरी और जनवरी तक आईसीसी से माफी नहीं मांगती है तो हमेशा के लिए श्रीलंका की टीम पर बैन लग जाएगा। बॉक्स में बताना है क्या श्रीलंका की टीम को आईसीसी से यानी माफी मांग लेनी चाहिए या फिर नहीं।